नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंजीनियर्स माइंड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश है और आज मैं आपको मैसेजिंग ऐप की दुनिया से जुड़ी एक बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूँ। स्वदेशी ऐप जिसको पतंजलि ने लॉन्च किया था, जिसका नाम किम्बो है, उसकी एक बार फिर से वापसी होने जा रही है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि उसमें फीचर्स क्या हैं, उसमें नई चीज़ें क्या हैं, उसमें ऐसा क्या है जो व्हाट्सएप में नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंजीनियर्स माइंड। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं किम्बो के बारे में, तो 30 मई को ये सबसे पहले लॉन्च किया गया था, जो कि गूगल प्ले स्टोर और आपके iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे मौजूद था। 24 घंटे के अंदर ही इसको विड्रा कर लिया गया, ये कहते हुए कि सर्वर क्रैश हो गया। 3 घंटे में ही करीब 1.5 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था इस ऐप को। हम अगर किम्बो ऐप की बात करें तो किम्बो का मीनिंग एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड है, ये संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब होता है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो स्वदेशी मैसेजिंग ऐप किम्बो की वापसी एक बार फिर से होने जा रही है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन इसको कुछ देर के लिए लॉन्च किया गया था, ये कहते हुए कि ये एक ट्रायल वर्जन है, ये बीटा वर्जन है और थोड़ी देर के बाद इसको हटा लिया गया है। अगर हम पतंजलि के CEO या उनके स्पोक्सपर्सन की बात करें तो उन्होंने ट्विटर के जरिए ये बात कही है कि ऑफिशियल लॉन्च जो है इसका वो 27 अगस्त को होगा और ये सबके लिए 27 अगस्त को अवेलेबल होगा। तो हम इस वीडियो में आज ये जानेंगे कि ये जो किम्बो की वापसी हो रही है वो क्या व्हाट्सएप को टक्कर दे पाएगी, क्या वो व्हाट्सएप से आगे निकल पाएगा ये जो मैसेजिंग ऐप है। क्योंकि हम अगर देखते हैं तो व्हाट्सएप की काफ़ी पॉपुलरिटी है, व्हाट्सएप पे लोगों का ट्रस्ट है और व्हाट्सएप पर लोग यूज करते हैं, तो एक यूजर फ्रेंडली हो गया है व्हाट्सएप सबके लिए। तो इससे आगे निकलना, इसको रिप्लेस करना, ये किम्बो के लिए इतना आसान नहीं है। दोस्तों, अगर पतंजलि की माने तो पतंजलि का ये कहना है कि हम SSS फार्मूले पे काम कर रहे हैं। SSS बोले तो सेफ, सिक्योर एंड स्वदेशी। सेफ, सिक्योर एंड स्वदेशी, इसको ध्यान में रख करके इस ऐप को बनाया गया है। आइए हम जानते हैं इसके टॉप 7 फीचर्स क्या क्या हैं और ये कैसे व्हाट्सएप से अलग है। तो सबसे पहला फीचर जो हम अगर बात करते हैं तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट की एडिटिंग रियल टाइम में हो सकती है। हम डॉक्यूमेंट की एडिटिंग यहाँ करेंगे और सामने वाले को भी वो दिखेगा। दूसरे फीचर की बात करें तो इसमें मल्टीपल डिवाइस लॉगिन है। मल्टीपल डिवाइस लॉगिन का मतलब कि हम अपना जो किम्बो का लॉगिन है वो मोबाइल में भी कर सकते हैं और एट द सेम टाइम हम टैबलेट्स में भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप PC में भी कर सकते हैं। एक ही ID होगी जो कई जगह हम उसको एट द सेम टाइम लॉगिन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप में नहीं है। इसी सिलसिले में अगर आप बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे कि इसमें जो है वो कॉल ट्रांसफर की सुविधा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे है। जैसे हमको कोई वीडियो कॉल कर रहा है, हम मोबाइल पे हैं और हम चाहते हैं कि इसको टैब पे शिफ्ट कर लें, तो हम उसी दौरान दूसरी डिवाइस पे कॉल ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें एक और अच्छा फीचर है जिसको हम कह सकते हैं कि ऑटो डिलीट फीचर ऑफ प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर में आप सेट कर सकते हैं कितने देर बाद ये आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो हट जाए। तो ये सारी फीचर्स जो हैं अभी भी व्हाट्सएप में नहीं है। इसमें एक और अच्छा फीचर है, जहाँ पे नेटवर्क क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पे इस फीचर का यूज किया सकता है। इसको वीडियो कॉल जूम इन फीचर कहते हैं। वीडियो कॉल जिस समय चल रही हो उसी समय हम जूम कर सकते हैं। इसमें इसी क्रम में हम अगर बात करें तो आगे जो है वो अगर 6 नंबर पर देखें तो इसमें इंडियन स्पेसिफिक इमोजीज हैं, डूडल्स हैं, स्टिकर्स हैं, जो कि हम लोगों के लिए आसान होगा इसको यूज करना। और इसमें एक और फीचर है जो कि व्हाट्सएप में नहीं है, इन ऐप पेमेंट की बात करते हैं, UPI बेस्ड पेमेंट की भी सुविधा इसमें अवेलेबल होगी। तो ये सारे फीचर्स हैं जो किम्बो को व्हाट्सएप से अलग करते हैं।
आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये व्हाट्सएप को बीट कर पाता है कि नहीं, लोग किम्बो कितना यूज करते हैं, टेक्निकली ये कितना साउंड है, रोबस्ट है। तो आपके जब आप यूज करेंगे तो आप समझ पाएंगे और उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो ये किम्बो मैसेजिंग ऐप पे आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स के थ्रू सुझाव देते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल इंजीनियर्स माइंड। थैंक यू सो मच।